हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, स्क्रीन भी हो यस रहा है सर, क्लियर बेटा? स्क्रीन यस सर। तो बेटा आज सेकंड फेज के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट फर्स्ट क्लास है ना अभी सेकंड फेज में आप लोगों का। आज पहला फेज कंप्लीट हुआ था, उसके बाद क्लास तो नहीं हुआ ना अभी मेरा। नो सर, टेस्ट डिस्कस करूंगा बेटा, लेकिन विद सॉल्यूशन दे रखा होगा टेस्ट आपको, है ना? सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं दिया, शेयर नहीं किया था सॉल्यूशन? सर किसी किसी क्वेश्चंस में नहीं है। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं है, कोई बात नहीं। मैं आपका टेस्ट फिर इसमें शेयर करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट रुको।
हाँ बेटा, पेपर शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ। यस सर। तो आप निकाल लो केमिस्ट्री का पेपर, इसमें जो डाउट कह रहे थे वो देख लो। सर क्वेश्चन नंबर 15। पेपर के हिसाब से 15 है या स्टार्टिंग केमिस्ट्री से ही है क्या? यस सर, केमिस्ट्री से स्टार्ट है। लिखे जाना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, 1 से लेके 6 तक तो नहीं है किसी का प्रॉब्लम। 1 to 6, 7 to 12, 7 to 12, 13 to 19। बेटा 13 to 19 कौन कौन सा नंबर बोल रहे थे? सर क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर 15। यस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फील्ड इन ए स्टील वेसल्स एंड एक्सप्लोडेड, वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन। देखो आप क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन बनाओगे। तो फर्स्ट यू नीड टू गिव द बैलेंस इक्वेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टूगेदर टू गिव द वाटर। हाइड्रोजन इज द गैस, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। और वाटर क्या होगा बेटा? वाटर लिक्विड होगा। तो H2 गैस है, O2 गैस है, H2 लिक्विड। आवाज आ रही है बेटा मेरे? रिस्पॉन्स करते जाओ आप, रिस्पॉन्स करते जाओ। H2 गैस है, O2 गैस है, H2 लिक्विड। बैलेंस करोगे तो क्या आएगा बेटा? 2H2, 1O2 और 2H2O, H2O है ना। इसका मतलब इस जितने मोल हाइड्रोजन के यूज करोगे तो ऑक्सीजन का हाफ मोल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो 2:1 है। या जितना ऑक्सीजन यूज करेंगे उसका हाइड्रोजन आपको डबल यूज करना पड़ेगा। तो इनिशियल मोल निकाल लो बेटा, इनिशियल मोल। सर हाइड्रोजन के 5 आ रहे हैं और ऑक्सीजन के 2। हाइड्रोजन के 10 ग्राम में तो 5 आ जाएंगे, 10/2, गुड। एंड 64 अपॉन ऑक्सीजन का 32 है तो कितना आ जाएगा? 2। टू मोल। तो वाटर कितना होगा बेटा स्टार्टिंग में? 0। अब देखो, अगर मैं इसका फाइनली मैं अगर सोचता हूं, मैं इसको अगर फाइनली 5 का 5 मोल हाइड्रोजन यूज करूंगा तो ऑक्सीजन कितना यूज करना पड़ेगा बेटा? रेशो देख के बताओ, 2.5। रेशो देख के। जितना टू हाइड्रोजन यूज करते हो उसका हाफ ऑक्सीजन है, तो ये 5 करूंगा तो ये 2.5 यूज करना पड़ेगा ऑक्सीजन। लेकिन 2.5 तो है ही नहीं आपके पास, तो किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको? ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन सारा यूज करोगे, ऑक्सीजन आप 2 मोल यूज करोगे। अब देखो, ऑक्सीजन जितना यूज करोगे तो हाइड्रोजन कितना यूज करना पड़ेगा? अब मैं कितना कह रहा हूं, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, ये सेकेंड टाइम आप सीख रहे हो। अब आप कितना का मतलब 1 या 2 ये नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कितना। तो ये रेशियो देख के बताओगे, जितना ऑक्सीजन यूज होता है ऑक्सीजन उसका कितना टाइम यूज होता है? बोलो बेटा, बोलो, रिस्पॉन्स करो। 2 टाइम। 2 टाइम्स। तो इसका मतलब मैं ऑक्सीजन कितना यूज करना चाहता हूं? सपोज सारा सारा कितना है मेरे पास? टू 2 मोल है। अगर ऑक्सीजन 2 मोल यूज होगा तो हाइड्रोजन कितना यूज होगा बेटा? फोर मोल। 4 मोल, क्योंकि इसका डबल यूज होगा, तो माइनस का मतलब यूज हो गया 4 मोल। अब इधर आ जाओ, देखो ये भी 2 है, इधर भी 2 है, कोफिशियंट सेम है। तो जितना हाइड्रोजन यूज करोगे उतना ही तो वाटर बनेगा, तो वाटर प्लस मतलब बन गया 4 मोल। फोर मोल। अब आपको वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन निकालना है, तो आप नेट कैलकुलेशन अब सोच लो सारी। अब नेट अगर कैलकुलेशन सोचोगे बेटा तो बताओ, देखो हाइड्रोजन कितना रह गया मेरे पास बाकी? इनिशियल कितने मोल थे? 1 मोल। 4 मोल थे, जिसमें से 4 मोल चले गए तो 1 मोल रह गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना रह गया मेरे पास? जीरो मोल। 0। ऑक्सीजन 0 हो गया। और H2O लिक्विड है, लिक्विड को तो कंसीडर ही नहीं करना,
वॉल्यूम गैसेस का होता है, लिक्विड का नहीं होता, इसलिए इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास देखो सिर्फ क्या रह गया, फाइनल गैस कौन सी है, वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के कंसिडर करते हैं बेटा। हाँ हाँ बोलो सर, वो इसमें लिखा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फाइनल गैसियस प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। तो सर जो हाइड्रोजन बची है वो तो रिएक्टेंट है ना, वो प्रोडक्ट नहीं, नहीं वो, वो, वो लास्ट में हम जो भी बचता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो इनिशियली आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे कि मेरे पास इनिशियली 2 मोल हाइड्रोजन था और 1 मोल ऑक्सीजन था, ठीक है ना। अब फाइनली क्या बचा आपके पास, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो 1 मोल हाइड्रोजन और 4 मोल्स वाटर, 4 मोल वाटर। बट वाटर जो है वो क्या चीज है, लिक्विड, और हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो इसका मतलब कभी भी जो होता है, इसलिए हमने एक फार्मूला लिखा था ना, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट होता है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नहीं बताया था मैंने, प्लस क्या बताया था, मैंने कहा था ना कि जब आप बैलेंस करते हो, इक्वेशन बैलेंस करते हो, फॉर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा था कि भाई आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, डिड यू रिमेंबर, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, मैंने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिखा था बेटा, ओनली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ क्या बताया था, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग। कैलकुलेशन तो तब पूरी जाएगी ना, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग। तो ये भी तो प्रोडक्ट साइड आ गया ना अब, इसलिए आप क्या बोलोगे कि इनिशियली यू टुक द 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन, बट फाइनली व्हाट हैव यू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास फाइनली गैस कौन सी बची है, सिर्फ क्या बचा है बेटा हमारे पास, हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन गैस। अब हम मोल कंसेप्ट लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल गैसेस के लिए क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो एन कितने है हमारे पास, 1 मोल, वॉल्यूम निकालना है आपको 22.4, तो वॉल्यूम कितना आंसर देंगे बेटा, 22.4 लीटर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है वो इसमें गैसियस प्रोडक्ट लिखा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर वेपर प्रोड्यूस हुई हो रिएक्शन में। नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सपोज मैं आपसे पूछूं कि रूम टेम्परेचर है, अभी आप अपने कमरे में बैठे हो, अपने रूम के अंदर हो सपोज, तो रूम में जो वाटर होगा वो किस फॉर्म के अंदर होगा, रूम में नहीं होगा। हाँ इसलिए, क्योंकि नेचुरल देखना होता है ना, नेचुरली क्या हो रहा है। हाँ अगर वो कह देता मैं 100 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल देता, इफ ही आस्क्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड यू नो H2O इज वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन वी हैव टू टेकन H2O एज ए गैस एट और अबो 100 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज हमें रूम टेम्परेचर कंसिडर करना होता है। इज इट क्लियर, ओके सर, ठीक है बेटा चले आगे। यस सर। हाँ नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 19 तक कोई इश्यू नहीं है, ये सारे मिस्टेक ये आपके स्टेप्स हैं, अभी थोड़ी देर बात भी करूंगा क्योंकि फर्स्ट टेस्ट दे चुके हो आप, अब आप फर्स्ट टेस्ट दे चुके हो, रिदम में आ गए हो, तो अब मैं आपसे कुछ बात करूंगा सिलेक्शन के लिए कि भाई सिलेक्शन कैसे होते हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे एनालिसिस करेंगे जब पेपर का आपने। तो नेक्स्ट बेटा देखो 19 तक किसी का प्रॉब्लम, अप टू 19 तक नहीं है तो आगे आ जाओ बेटा, 20 से लेके 24 तक देख लो, फ्रॉम 20 टू 24, 25 से आगे चल लो बेटा। सर हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन में लिखा था ना कि गैसेस को हमने एक्सप्लोड किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता उससे टेम्परेचर ज्यादा हाई हो गया हो। नहीं वो एक्सप्लोजन रिएक्शन को ही बोलते हैं बेटा, एक्चुअली एक्सप्लोजन क्यों बोलते हैं, यू नो कि H2O क्या होती है, गैस, और O2 भी क्या होती है, गैस। जब H2 और O2 को रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर काफी स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए हीट निकलती है बहुत सारी, इसलिए हम एक्सप्लोजन बोलते हैं इसको, समझ गए सर। मतलब एक ये चीज है कि अगर जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा कुछ स्पेशली, तो हमें वाटर को लिक्विड ऐसे जनरल नॉर्मल हाँ जो बेटा नॉर्मल टेम्परेचर पर जिसकी जो फेज होती है वही लेनी होगी अपने को। ओके सर। तो सर जब बहुत सारी हीट निकलती है तो उस हीट का वाटर की स्टेट ऑफ मैटर पे मतलब फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, हीट अलग चीज होती है बेटा, टेम्परेचर अलग, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना अपने।
थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर आगे हीट निकल के एटमोस्फेयर में चली जाएगी ना वो, और एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। यही तो रीजन है कि वाटर बनाना बहुत मुश्किल है। H2 और O2 इतनी इजीली रिएक्ट करके वाटर बनाते रहते तो वाटर का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता ना अर्थ पे। तो ये एक लैब में बनाया जाता है, स्पेशली लैबोरेटरी के अंदर हाई रिलीज होती है अमाउंट ऑफ हीट, स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए तो डिफिकल्ट है वाटर का बनना। तो एटमोस्फेयर में तो हाइड्रोजन बहुत है, ऑक्सीजन भी है, अपने आप रिएक्ट करके वाटर थोड़ी बना रही है। तो इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। क्लियर? कैन आई प्रोसीड? नेक्स्ट आ जाओ बेटा 28 तक, अप टू 28। नेक्स्ट आ जाओ आपका, चलो बेटा 34 तक, किसी का प्रॉब्लम अप टू 34। अप टू 34 नेक्स्ट आ जाओ बेटा 35 से 39 तक, 35 टू 39। क्या कह रहा है? ए मेटल एम फोम क्लोराइड इन इट्स प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द, बेटा फेजेंस रूल। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि प्लस टू का मतलब है एक MCl2 है और एक MnMCl4 है, तो यहां पर तो क्लोरीन क्लोरीन तो चलो सेम है, लेकिन ये टू का मतलब इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है, और यहां पर इस ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है, मतलब चार्ज प्लस फोर है। तो हमने रूल पढ़ा था ना, जब कैटायन का चार्ज बढ़ेगा, चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? पोलराइजेशन। फेजेंस रूल, पोलराइजेशन से कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर। बिल्कुल, कोवेलेंट कैरेक्टर, एग्जैक्टली, ग्रेट। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? MCl4 मोर कोवेलेंट होगा, और लेस आयनिक, लेस आयनिक, और MCl2 मोर आयनिक होगा। यस सर, है ना? तो हम इससे फेजेंस रूल से हम डिसाइड कर सकते हैं सर। लेकिन इसमें जो और ऑप्शंस दे रखे हैं वो हाइड्रोलाइज्ड वगैरह, अगर ये अगर आंसर ये होते तो हम कैसे पता लगाते बेटा? इसके अंदर क्या है कि धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे और चीजें सीखते जाओगे, जैसे अब कुछ चीजें सीखी है, फिर आगे सीखते जाओगे तो जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक आते जाएंगे, अब देखो एक दूसरे से रिलेट करो, अपने आप पता लग जाएगा। जैसे MCl2 इज मोर वोलेटाइल, तो जब तक M का पता नहीं होगा तब तक हम वोलेटाइलिटी डिसाइड नहीं कर सकते, M कौन सा है भाई। M पता लगेगा तभी तो वोलेटाइल डिसाइड करेंगे ना। MCl, हाँ, M मेटल पता लगे फिर वो एलिमेंट की केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तब। जैसे B है, MCl2 इज मोर सोलिबल इन एनहाइड्रस एथेनॉल, तो M है, MCl2 कौन सा है आपके पास? आयनिक है, तो आयनिक किस में सोलिबल होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट में, वाटर में, वाटर में होना चाहिए ना। तो यहाँ क्या लिख रहा है वो? एनहाइड्रस, मतलब तो वाटर है ही नहीं। यस सर, तो गलत हो गया ना। Yes, तो इस टाइप से अब इसी में MCl2 जो मोर इजिली हाइड्रोलाइज, जिस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इजिली हाइड्रोलाइज होगा, क्योंकि वाटर ज्यादा अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। तो ऐसे करके निकालते हैं, बट आपको जो आए सबसे पहले उसी से सिलेक्ट किया करो। एनीवे धीरे धीरे अभी मैं एनालिसिस बताऊंगा ना आपको, अभी ये सारी चीजें हो जाएंगी। सर हाइड्रोलाइज होने में जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं होगा? हाँ, तो जिसमें जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा ना। इस पर चार्ज ज्यादा होता है तो उसका साइज छोटा होता है, पढ़ा नहीं था हमने? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा छोटा साइज। हाँ ठीक, ओके सर, है ना। हाँ बेटा, हाँ बोलो। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मोलिक्यूल? पोलर तो डायपोल मोमेंट से निकलता है ना। पोलर, डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं हो और सारे साइड एटम सेम हो, या तो या चारों तरफ सिमेट्री हो। तो 1-2-1-2 करके आप करते जाते तो BF3 कैसा होगा बताओ? ये नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर हो गया। XCF4 कैसा होगा?
क्योंकि इसका sp3 थ्री टू हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन लोन पेयर भी तो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे ना। यस सर। सिमेट्री आ गई। SiF4 देखो सिलिकन कैसा हो जाएगा, देखो बेटा नॉन पोल SF4 में एक लोन पेयर आ गया और 4F आ गई। अब सिमेट्री नहीं बनी, इसलिए इसमें क्या आएगा, डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ बनेगा इसका। म्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब पोलर। सर 45 भी देखो आपके 45 में उसने क्या किया, बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाई, देखो ए और बी, और ए और बी आपको दो बॉन्ड दे दिए, और ए और बी जो आपको बॉन्ड दे दिए उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया आपको। तो इस डिस्प्लेसमेंट किस तरफ ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो कहता है ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कह रहा है। तो कॉन्ट्रीब्यूट द एक्चुअल स्ट्रक्चर, अगर ए के बीच ये दो इलेक्ट्रॉन है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा कौन खींचेगा, ए। ए तो ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो इस पर पार्शियली कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, और बी पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्योंकि ए को मोर नेगेटिव बोल दिया उसने। यस। ए को मोर, तो बॉन्ड बिटवीन ए बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इफ ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी देन लीस्ट कंट्रीब्यूशन। अब हमें क्या है, ये तो मोर कंट्रीब्यूशन हो गया, तो लीस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होगा जो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। लीस्ट कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है वो हमसे, मोर नहीं पूछ रहा। मोर पूछता तो ये आंसर सही था, इसका उल्टा कर दो, मतलब गलत कौन सा है ये पूछ रहा है वो। लेकिन लीस्ट कंट्रीब्यूशन का मतलब तो है जो, हाँ लेकिन... वो तो इसलिए इसलिए बोलता है ना, कोई भी 100% आयनिक या कोई इक्विवेलेंट नहीं होता ना। यस सर। इसलिए लीस्ट का मतलब अनस्टेबल बताना है आपको, जो इस जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4040 में देखो क्या बेटा, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या हो गया इसमें आंसर नहीं आ रहा क्या, या बस पूछ ही डाला? नहीं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में तुम लोगों ने। क्वेश्चन था फार्मूला बेस, सिंपल था क्वेश्चन बेटा, लेकिन एक चीज जरूर थी कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था। कहता वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल वेइंग 200 ग्राम एंड मूविंग स्पीड 5 मीटर पर आर, ये कोई बॉलर बॉल कर रहा है। डी ब्रोगली ने क्या बोला था, जो बॉल होता है उसका मास होगा कुछ वेलोसिटी वी से चलेगा तो मोमेंटम बनेगा कुछ, जब मूव करेगा तो डी ब्रोगली कहता है उसके साथ वेव भी बनेगी। इसलिए हमने डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था डी ब्रोगली रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू जो वेव नेचर है पार्टिकल नेचर के अपोजिट होगी इनवर्सली। बिल्कुल सही बेटा, गुड। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एच अपॉन एच बाई पी एम वी। अब लैम्डा देखो किसमें निकालना है, सारे ऑप्शन किसमें रखे हुए हैं, मीटर में। मीटर का मतलब एसआई यूनिट है, तो सबकी एसआई यूनिट रख दो। देखो एच की वैल्यू एसआई में रखो, कितनी वैल्यू रखेंगे, 6.6 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई मास, देखो एसआई में रखो, ये ग्राम तो एसआई नहीं है, तो ग्राम को किलोग्राम चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 10⁻³। इधर देखो 5 मीटर, मीटर तो ठीक है पर आर, एसआई यूनिट आर नहीं है बेटा, सेकेंड होता है, तो एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 आवर कंटेन 3600 सेकेंड। अब सोल्व करना बेटा, अब आ जाएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप इसमें फंस गए हो कैलकुलेशन में, यूनिट सेम होना चाहिए। सर इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, 2.8 करके आ रहा है, 2.8.10। कोई इशू नहीं है बेटा, क्योंकि जो पावर्स हैं बहुत दूर दूर है, देखो एक -10 है, एक -20 है, एक -30 है, एक ये कौन सा है, ये दो आंसर सेम क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये दो आंसर सेम है सर, वो -40 होना चाहिए, -40 होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो इश्यू, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि जो भी आंसर आएगा आपका पावर सेम होनी चाहिए सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर वैसे भी क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा था, उन्होंने पूरा आंसर नहीं पूछा। हाँ सही कह रहे हो आप, क्वेश्चन देखो पढ़ो, ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर का मतलब पावर बतानी है सिर्फ। क्लियर हो गया बेटा ये।
यस सर, तो देखो चलो डीपीपी के क्वेश्चन में डाउट था। डीपीपी तो बेटा अभी डिस्कस कर लेंगे अभी, क्योंकि बिल्कुल हर चीज तो सामने नहीं होती ना। सर मैं क्वेश्चन बोल दूं? क्वेश्चन क्या है बताओ, बोलो। यस सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन इट्स मॉलिक्यूल? सर ठीक है, ऑप्शन है OH2। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल पूछ रहा है ना। यस सर। OH2, हाँ, NH3 और SO2। NSO2 यस सर, और एक NH3 NH3। एक और क्या बताया था बेटा? सर, NH3 था और चलो मैं बताता हूँ, OH2 था। बताओ बॉन्ड एंगल कितना है बताओ। याद, ये डेटाबेस है ना, कितना बताया था H2 का, याद है किसी बच्चे को? 104.5 वन डिग्री हंड्रेड फोर पॉइंट फाइव डिग्री NH3 का याद है किसी को? सर, 107 पॉइंट गुड डिग्री गुड, वेरी गुड वेरी गुड, 107 डिग्री। SO2 नहीं होगा, ध्यान है ना, देखो, तो नाइनटी SO2 टू में। डिग्री हाँ, अगर SO2 का ये स्ट्रक्चर आएगा देखो, तो इसमें क्या है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो SP2 आएगा। SP2 में ये जो है दोनों एंगल, वैसे एंगल क्या होना चाहिए था भाई, लोन पेयर के हिसाब से होना चाहिए था डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड में रिपल्सन ज्यादा होता है ना, यस। तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा तो एंगल 120 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा इसमें, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है। अगर SP2 होता तो करेक्ट होता तो 120 डिग्री एंगल होता, क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन तो SP3 है, तो इनका एंगल तो 109 डिग्री से कंपेयर होगा, लेकिन ये SP2 है तो 120 से होगा, वो भी डबल बॉन्ड है तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा बेटा। तो देखो किसका एंगल ज्यादा आ गया, ऐसे देखेंगे SH2 था, SH2, H2 तो वो तो इसी कैटेगरी में आ जाएगा SH2। देखो SH2 तो टू लोन पेयर वाला, मतलब SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन में इसके एंगल से, बिकॉज सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो एंगल ज्यादा होता है, तो ये एंगल 104 से भी कम आएगा, 93-92 के आसपास होता है H2S का। सर। जो SO2 है उसमें लोन पेयर के और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से एंगल 120 से कम नहीं होगा? नहीं, फिर एक बात और भी तो है, जहां जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वहां लोन पेयर से भी ज्यादा होता है ना रिपल्सन, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड होता तब आपकी बात सही थी, मल्टीपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, VSEPR थ्योरी में ये पढ़ा था हमने, सबसे कम यस सर, किसमें होता है रिपल्सन, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बोलते पेयर, जाओ याद बॉन्ड होता पेयर, जाएगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। फिर इससे ज्यादा किसमें था, बॉन्ड पेयर, लोन उससे पेयर, लोन पेयर, ज्यादा किसमें था, लोन पेयर, लोन और लोन सबसे पेयर, ज्यादा किसमें लोन बताया था मैंने, पेयर, मल्टीपल 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 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल मल्टीपल बॉन्डेड, बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्डेड आ गया ना, ओके सर, क्लियर बेटा। यस यस सर। सर अच्छा, तो अब बच्चों थोड़ी सी बात एक आगे और, बढ़ाने, सर एक क्वेश्चन। बोल लो बोल लो। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SP बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग एंड S स्टार P स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इन अकॉर्डेंस विद देयर एनर्जीज इज? कौन कौन से बेटा, एक बार रिपीट कर दो, ऑर्बिटल सर सिग्मा, पाई और सिग्मा नॉन स्टार पाई स्टार, बॉन्ड। यस सर, नॉन बॉन्डिंग भी। यही ऑर्डर आएगा बेटा जो लिखा है हमने। सर लेकिन जो डीपीपी में क्वेश्चन था उसमें फिर आंसर गलत दे रखा होगा, उसमें ना इन्होंने नॉन बॉन्डिंग के बाद पाई स्टार दे रखा है इसमें। अच्छा समझ गया मैं आपका क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली दो रीजन थे ना, यहां पर ये सबसे ज्यादा ऊपर जाता था इधर एन स्टार, सर, समझ गया मैं, ये एन स्टार आगे चला जाएगा, वो ऐसे पढ़ाते थे ना आप, क्या बनाते थे, सिग्मा 1s फिर सिग्मा 2S। सिग्मा, या सिग्मा स्टार 1s या सिग्मा 2s, ये तो कैंसिल हो जाते थे, फिर सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये तो कैंसिल हो जाते थे, फिर इसके आगे क्या आता था देखो, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, सबसे ऊपर क्या जाता था, सिग्मा स्टार 2pz। तो यहां ये सीक्वेंस पूछना चाहता है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये सिग्मा कभी कई बार यहां भी आता है और कई बार यहां भी होगा, ऊपर वाला किसके लिए बताया था, अप टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, गुड वेरी गुड,
और नीचे किसके लिए बताया था, दो चार के लिए, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन के लिए, तो मोस्टली और उसके हिसाब से सोचे तो जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम ये वाला ऑर्डर लेके चल सकते हैं, सिग्मा पाई एन बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड बना ही नहीं है तो मिडल ही रहेगा वो, फिर पाई स्टार और सिग्मा स्टार, सबसे ज्यादा एनर्जी लेकिन कहा नहीं था तो वो जनरल, एक तरह से जनरल हो गया ना। हाँ जनरल हो गया तो वैसे दे सकते हैं बेटा, दोनों ऑप्शन में एक होगा कोई ऑप्शन, दोनों नहीं आएंगे आपके। सर फिर सही आंसर क्या देंगे? ये वाला, मतलब अगर आपके पास डिपेंड, उसने अगर आपको केस बना के दे दिया कि अप टू नाइट्रोजन तक, सर ऐसा कुछ नहीं, तो उसने जनरल बोला है। कुछ नहीं है तो फिर बेटा ये देंगे, ये वाला सिग्मा पाई, क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है ना, पहला बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तो जो स्टेबल होता है वो पहले बनता है, तो जो स्टेबल पहले बनता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए हम इन जनरल ये बोल देते हैं, सिग्मा पाई फिर नॉन बॉन्डिंग फिर पाई स्टार और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला सिग्मा स्टार। क्लियर? सर लेकिन आपने कुछ गिवन नहीं है तो हम सिग्मा स्टार पाई स्टार क्यों नहीं दे सकते? यस सर, बेटा एनर्जी बेस पे दे रहे हैं ना, कुछ गिवन नहीं है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ गिवन नहीं है तो एनर्जी बेस देंगे, जो सबसे स्टेबल होता है वो पहले बनता है, तो सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बनेगा या सिग्मा? सर पाई और सिग्मा तो ठीक है, लेकिन सिग्मा स्टार और पाई स्टार में कंफ्यूजन है। वो तो जितना ये स्टेबल होगा उतना ही ये अनस्टेबल हो जाएगा ना बेटा, ये तो कोई सा भी केस देखो, आपने जितने डायग्राम बनाए होंगे सिग्मा स्टार तो सबसे ऊपर ही रखा है आपने, सिग्मा स्टार तो लास्ट में ही है, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे आपका ऑक्सीजन हो, दोनों केस देखना सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा लगाई है आपने। सर लेकिन सर आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जनरल वाले में आपने लिखवाया था ऐसे, तो उसमें आपने सिग्मा स्टार को पहले रखा था पाई स्टार से। सिग्मा स्टार को पाई स्टार से जनरल में नहीं बेटा, वो ये चीज है, वो अगर आपको स्पेसिफिक ऐसे दे दिया जाए जो हमने इधर किया था ना, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन, इसमें इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजें समझ लो आप, एक तो क्या है कि आपको पूरे मॉलिक्यूल का देना हो, तो मॉलिक्यूल का सपोज मैं आपको कहता हूं कि हाइड्रोजन से लेकर के और सपोज वी वांट टू सी अप टू नाइट्रोजन, एक केस हो गया ये, ठीक है, एक केस हो गया O2 से लेकर के और Ne2 तक, और एक कुछ भी नहीं, एक पूछ रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनका एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, मतलब एक ये जनरल, ये अलग केस हो गया, कहने का मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अगर ये केस करोगे तो बिल्कुल नीचे से चलोगे आप, तो क्या आता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर तो सारा बताना पड़ेगा ना आपको, पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। अगर O2 से N2 स्पेसिफिक पूछ लिया तो फिर वो एक चेंज हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये फिर नीचे आ जाएगा, सिग्मा 2pz, ऐसे किया था ना? यस सर, ऐसे किया था ना हमने, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये किया। अब वो इनकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जनरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, सपोज कहता है तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, अब थ्री और थ्री मिक्स होते हैं तो मिक्स होके सिक्स है तो सिक्स ही नहीं बनाएंगे, सिक्स नहीं बनाएंगे तो थ्री बॉन्डिंग होंगे सपोज, और सपोज वो कहता है टू बॉन्डिंग रह गए, या आपके कितना ऑर्बिटल दिया था, जितना ऑर्बिटल दिया था उसके हिसाब से लेंगे ना, मतलब इसमें वो एनर्जी बेस कर रहा है वो आपसे, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं थ्री, वो कहता है कि एनर्जी बेस बताओ कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सपोज ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो मिक्स होकर के क्या बनाएंगे ये, सपोज थ्री टाइप के ऑर्बिटल बनाएंगे, तो एक मान लेते हैं सिग्मा बना रहा है, एक बना ही नहीं रहा नॉन बॉन्डिंग, एक जो है ये बना रहा है सिग्मा पाई, तो अगर हम सिग्मा की इसी टाइप से क्या है, अगर ये तो बॉन्डिंग बना लिया आपने, कहता है अगर एंटी बॉन्डिंग बनाओगे तो एंटी बॉन्डिंग में भी क्या होगा, कहता है एंटी बॉन्डिंग में ऐसे बनेंगे तीन है तो ये तीन बनेंगे, तो लेकिन आप सिग्मा स्टार देखोगे जितना एक स्टेबलाइज हुआ, मान लो सिग्मा स्टेबलाइज हो गया तो सिग्मा स्टार उतना ही अनस्टेबलाइज होगा, पाई कम स्टेबलाइज होगा तो पाई स्टार
उससे थोड़ा नीचे रहेगा, और एन जो होगा नॉन बॉन्डिंग रहेगा। तो ये जनरल ट्रेंड पूछ रहा है एनर्जी के बेस पे। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, तो सिग्मा सबसे स्टेबल दो एटम के बीच में सपोज बनता है पहला सिग्मा, तो हम कहते हैं सिग्मा सबसे स्टेबल, तो सिग्मा स्टार सबसे अनस्टेबल, सबसे ज्यादा है एनर्जी का। दूसरा बनता है पाई, तो पाई जितना स्टेबल होगा पाई स्टार मतलब सिग्मा से तो कम स्टेबल है ना, तो पाई स्टार भी उतना कम अनस्टेबल स्टार देंगे। और बॉन्ड बनता ही नहीं है तो एनर्जी जितनी है और ऑर्बिटल की उतनी रहेगी, इसलिए अगर कुछ नहीं आता है तो फिर ये ऑर्डर देंगे आप, ये आपका सिग्मा पाई एन सिग्मा स्टार पाई स्टार, ये नहीं गलत कर दिया मैंने, पाई स्टार सिग्मा स्टार, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा क्या पूछना चाहता है आपसे, वो चीज बतानी है आपने। हाँ बोलो बोलो सर, ये तरह से ऐसे होता है ना कि जो सिग्मा और सिग्मा स्टार है उनकी एनर्जी का सम, मतलब जितनी कम एनर्जी होगी सिग्मा की उतनी ज्यादा सिग्मा स्टार की होगी। हाँ बेटा, क्योंकि एनर्जी बाहर से तो नहीं आएगी ना, मान लो दो ऑर्बिटल है, इसको ऐसे समझोगे एक का 5 कैलोरी एक का 5 कैलोरी है, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि एक स्टेबलाइज हो गया, कम होगी एनर्जी 4 कैलोरी, तो दूसरे की उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, दूसरे की कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि टोटल कितना बनना चाहिए आपका 5, इसकी 1 कैलोरी कम हुई तो ये इतना स्टेबलाइज हुआ, इसकी 1 कैलोरी उतनी बढ़ गई तो उतना क्या हो गया, ये अनस्टेबलाइज, मतलब ये है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का मतलब। क्लियर? यस सर क्लियर है। चलें बेटा अब आगे। सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, जो कोवेलेंसी हम कैलकुलेट करते हैं एटम्स की, उसमें जब अगर डबल बॉन्ड होगा किसी के साथ तो वो डबल दोनों को अलग अलग गिनेंगे ना नंबर्स? हाँ, बॉन्ड अलग गिनेंगे बेटा, बॉन्ड अलग गिनेंगे। जैसे मान लो मैं ये कंपाउंड बना दूं आपका, सपोज ये स्पीसीज बना दी, मैं आप पूछूं कि बताओ इसकी कितनी कोवेलेंसी आ रही है, 4 आ जाएगी, मतलब बॉन्ड काउंट करने है उसमें आपको। हाँ बेटा बोलो, एक और कोई कह रहा था कोई क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है कि सर उसमें बताना है कि कौन से आयंस के पेयर आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सर इसमें दो ऑप्शन सही लग रहे थे मुझे, ऑप्शन बताऊं? सर फर्स्ट ऑप्शन है ClO3 नेगेटिव और SO32 नेगेटिव। एक मिनट में लिख लूं, आप पूछना चाह रहे थे उसमें आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इट्स ओके। सर फर्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज द ऑप्शन? ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, SO32 नेगेटिव, SO32 ने एक 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 पेयर ये दे दिया आपको है ना? हाँ यस सर, सेकंड पेयर है CO32 नेगेटिव, CO32 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव, सर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, दोनों के पेयर्स के स्ट्रक्चर से। अच्छा, दोनों का इलेक्ट्रॉन भी सेम आ रहा है और 3 1 4 3 1 4 वो भी सेम आ रहा है, ठीक है। जब ऐसा कंफ्यूजन आ जाए तो फिर ड्रॉ किया करो बेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटली, हाइब्रिडाइजेशन से ड्रॉ करके देखा करो। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से सब सेम दिख रहा हो, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो आपको, तो देन देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले वाले, हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन का कितना आएगा 4 7 7 नेगेटिव चार्ज है तो +1, तो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3 आ रहा है, यहां पर आ रहा है क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन सपोज अटैच हो रहे हैं आपके। ClO3 पे चार्ज था बेटा कोई नेगेटिव? ये आ गया। SO3 का निकाल लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ये कितना है सल्फर का 6, ये भी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3, तो सल्फर निकालते हैं अपने, तो S2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 जनरल ऑक्सीजन 1 नेगेटिव ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव है, यहां पर 1 ही नेगेटिव था तो 1 ऑक्सीजन बना दो, यहां पर 1 ऑक्सीजन बना दो, यहां पर 2 नेगेटिव है तो 2 ऑक्सीजन बना दो, ठीक है। और सल्फर पर कितना हो गया SO3, एक लोन पेयर आ गया। इधर आ जाओ कार्बोनेट में हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का 4O26 by 2 3 3 का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2 आ गया, तो कार्बन 3 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आ गए, ये आ गया ऑक्सीजन। NO वाला आ जाओ, N का हाइब्रिडाइजेशन 5416
बाई टू, थ्री आ गया इसमें, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन थ्री ऑक्सीजन, एक पर वो नेगेटिव आ गया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये वाला आ गया। अब आपने इनमें आइसो स्ट्रक्चरल देखना है, आइसो स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चर तो सेम ही लग रहे हैं। यस सर, थ्री क्वेश्चन आ रखा है 2016 में। ये तो इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। अगर ये ओ नेगेटिव दे रखा है, इसको भी हम पार्शियली करेंगे, तीन जगह चार जाएगा, ये भी पार्शियली तीन जगह जाएगा। और इसका देखो भाई, अगर आपका ये दो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों पे, इस पे दो नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी रेजोनेंस भी लगा दो, तो ओ ओ ओ ये एक जैसा 2/3 स्ट्रक्चर तो ये सेम आ गया। एन ये भी कर दें, ओ ओ ओ स्ट्रक्चर तो इन दोनों का सेम आ गया, चार्ज आ जाए। और इसका भी SO3, कोई मिस्टेक तो नहीं किया हमने, देख लो इस बार, एक बार चेक कर लो एक बार, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाला ऑप्शन है कार्बोनेट और ये वाला, इसमें जैसे कि NO3- में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है और CO3- में नहीं हो रहा। वो फर्क नहीं पड़ता बेटा, आगे रेजोनेंस जब वो लेते हैं ना, रेजोनेंस से फाइनल हम इससे एक्सप्लेन करते हैं, रेजोनेंस थ्योरी सर, सिर्फ से स्ट्रक्चर को देखना, उससे फर्क नहीं पड़ता बॉन्ड की स्ट्रक्चर, तो हमारा इसको ट्राइगोनली बोलेंगे ना, ये भी देखो स्ट्रक्चर तो ऐसा ही आएगा, ये भी स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, इनका भी स्ट्रक्चर देखो, दोनों पिरामिडल आ रहे हैं, तो इसमें दोबारा चेक कर लो, दो ऑप्शन एक जैसे क्यों दिए इसमें। इलेक्ट्रॉनों का भी फर्क एक बार चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन चेक कर लें, सेम ही लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी मुझे, क्योंकि ऑक्सीजन तो तीन ही है, कार्बन ये हो गए 6, 2, 8, 7 और 1, 8, ठीक है। और इसका क्लोरीन का 17 होता है और 1, 18, और ये 16, 2, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है, एटम भी 314, 314, 314, दोनों में सेम सेम आ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं तो दोबारा चेक करते हैं इसका, मैंने जैसे बोला कि क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक नेगेटिव चार्ज है 8, 7 और 1, 8, 7 और 1, 8, 8 का मतलब 4 का हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3 में क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आएंगे, ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है, दो डबल बॉन्ड वाले हैं। इधर सल्फर में देखें तो इसमें क्या है कि दो नेगेटिव वाले हैं, डबल बॉन्ड वाले हैं। अगर मतलब थोड़ा सा अगर फर्क देखना चाहो आप, तो वो ये देख सकते हैं कि यहां देखो एक जगह पे डबल बॉन्ड है इसमें और इसमें, इस जगह देखोगे तो इस स्पीसीज में दो जगह डबल बॉन्ड और यहां पर एक जगह डबल बॉन्ड है, एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है तो फिर ये हो सकता है आपका, अगर दोनों में एक सिलेक्ट भी करना हो तो मोर अप्रोप्रिएट सिलेक्ट, वैसे दोनों ठीक हैं लेकिन आपको बोल दिया जाए कि भाई आंसर दोनों में एक ही सिलेक्ट करना है, तो एक ही डिफरेंस नजर आएगा आपको कि इस स्पीसीज में दो डबल बॉन्ड आएंगे, इस स्पीसीज में एक ही डबल बॉन्ड है, और इन दोनों में देखो दोनों जगह पे एक एक डबल बॉन्ड है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ये सिलेक्ट करेंगे बेटा, फिर एक यही है डिफरेंस ऑफ पॉइंट। सर पर बॉन्ड से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उन्होंने बना दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन जब बनते हैं तो उसमें मोर अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना होता है ना हमें, अब क्वेश्चन एग्जाम में आ गया होता है कि इसमें जैसे दो डबल बॉन्ड है ना, तो जैसे भी आपने बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड्स का रिपल्शन ज्यादा होता है तो उसके स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर देगा, मतलब वो तो स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा मतलब शेप और ये पिरामिडल ही आ रही है ना, हाँ एंगल में फर्क हो जाएगा, बस ये वाली बात कह सकते हो, इसमें एंगल सेम हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोर अप्रोप्रिएट जो होगा आंसर फिर ये ले सकते हो आप, ठीक है। ये डिपेंड करता है बेटा, कई बार क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यही सारी चीजें अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, वही वाली चीजें मैं कह रहा था। सर एक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी इंडेक्स था थर्ड चैप्टर का, उसमें कंपाउंड की कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बताना था, कंपाउंड था AlCl H2O, H2O का होल 5 और कंपाउंड के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, जब आगे आएगा तो फिर और बेटर वे से कर पाएंगे ना अपने? निकल तो गई थी, उसके कंपाउंड के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, एक बार ये आप सुन लो, ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं पूछना मुझे, कंपाउंड लिख लो AlCl H2O का होल 5 और कंपाउंड के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट,
AlCl3Al AlCl बस AlCl उसके बाद H2O होल 5 हाँ बेटा, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आ गया ना, वही इसीलिए मैं कह रहा था आपको। और और फिर 2 पॉजिटिव होल पे, ठीक है, हाँ तो इसकी कोवेलेंसी ना सर 6 आ रही थी Al की, तो हाँ तो सिक्स बॉन्ड आ इसमें और बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही थी, तो +3 आ रही थी तो मतलब उसके तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो चले गए हैं, एक नहीं तो है चलो बेटा, Cl के पास चला गया होगा, और सुनो तो ना, मतलब सुनो उसके बेटा, बॉन्ड्स कैसे बनेंगे मुझे ये वो पूछना था। बॉन्ड ये वो है ही नहीं ना, ये अभी 12th में आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर। इसकी बॉन्डिंग उसमें करेंगे कि इसमें Al जो होता है उसके सिक्स बॉन्ड बनते हैं। ये H2 है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, अभी पेशेंस रखो, अभी तो सीखना स्टार्ट किया है ना। NCERT तो कहीं भी कुछ ही डाल देती है। ये स्ट्रक्चर है इसका, तो बॉन्ड कितने हो गए अब देखो, एल्यूमिनियम के सिक्स बॉन्ड बॉन्ड बन तो गए। हो गए 6 पर, हुए कैसे वो समझ नहीं आ रहा था। 12th पढ़ोगे तब आएगा ना, अभी नहीं आएगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ओके मैं सर, तो स्टार्टिंग नहीं में। दूना इस पे ध्यान। हाँ तभी तो मैं कह रहा था, मैं मेरी बात तो सुनो, तुमने कहा सर पहले नहीं मेरी बात सुन लो। मैंने चलो मैं समझ गया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, 12th में है बेटा ये। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, अब चलूं मैं अपना पॉइंट स्टार्ट करूं अब। यस तो सर, एक और वो फैजन्स रूल का पूछना था, उसने आपने बोला था कि कोवलेंट कैरेक्टर के तो जो होते थे वो पॉइंट्स पता ही है कि स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, फिर उसके बाद आयनिक कैरेक्टर, वो आपने आयनिक उल्टा बॉन्ड कर के दो अंदर उसका। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं, वो आपने कोवलेंट कैरेक्टर जो बताया था वो सिर्फ कोवलेंट कैरेक्टर बताया था, या फिर आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर होगा ना वो, तो फिर आयनिक कैरेक्टर भी जो होगा वो भी आयनिक बॉन्ड के लिए ही होगा या फिर नॉर्मली सबके लिए। नहीं, वो तो कंपाउंड आयनिक था ना बेटा, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर पढ़ा आपने, कंपेयर किए सबके, तो वो कोवलेंट बढ़ेंगे आयनिक तो। कैरेक्टर भी आयनिक कंपाउंड के लिए था। हाँ, दोनों कंपाउंड आयनिक ही है, वो कंपाउंड आयनिक ही हैं, ओके उसके सर, अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं। हो जाएगा, आ जाएगा सारी सारी, धीरे धीरे तसल्ली से, एकदम सी सारा नहीं, धीरे धीरे। चलो मैं बेटा और थोड़ा सा, सर जब पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर वैसे ही हो जाता है ना। पोलराइजेशन का मतलब यहां पर अलग है बेटा, यहां फेजेंस रूल में पोलराइजेशन का मतलब एक दूसरे के प्लस माइनस को डिस्ट्रॉय करना, चार्ज को डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि सर फिर जैसे आयनिक बॉन्ड होगा तो उसमें भी तो स्मॉल कैटायन और लार्ज अनायन में ही मतलब ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स आयनिक आयनिक अपनी तरफ आयनिक की। आयनिक तो बेटा कंपाउंड है ही, आयनिक में कोवलेंट कैरेक्टर का कंपेयर कर रहे हो, कौन से आयनिक में थोड़ा कोवलेंट ज्यादा होगा, थोड़ा कोवलेंट कम होगा, ये है ना क्वेश्चन तो हमारा। फेजेंस का मतलब है आयनिक कंपाउंड तो ऑलरेडी है वो, लेकिन आयनिक कोई 100% नहीं होता, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कंपेयर करते हैं हम। हाँ सर, वो तो समझ आ गया, मैं बस ये बोल रही थी कि वो अपनी तरफ खींचता है ना स्मॉल कैटायन, तो फिर वो जब एक पॉइंट पे मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड भी तभी बनता है मतलब जब वो ट्रांसफर ऐसे खींचते खींचते हो जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल। बस मैं ऐसे कंसेप्चुअली पूछ रही थी। ठीक है सर, थैंक्स। हाँ बेटा, एक देखो, एक मैंने आपका, आप जैसे इतने दिन आपने पढ़े, फर्स्ट फेज किया, तो कभी मुझे बातचीत करने का इतना मौका भी नहीं मिला, इसलिए मैं जनरली अभी आज जो था ये बात करने के लिए आया था। पहली बात ये बताओ, आप लोगों में से किस किस ने अभी जो एग्जाम हुआ है नीट का वो देखा है? किस किस ने? आकाश तुमने देखा है? यस अभी जो क्वेश्चन आए थे जो हमारे एग्जाम हमने पढ़ा अभी तक, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे वो हो पाए थे आपसे? सर, वैसे 11th के ज्यादा क्वेश्चंस तो आए नहीं थे, लेकिन जो आए थे हम गए थे 11th के थे। बेटा और किसी ने नहीं देखा आकाश के अलावा? और कोई किसी ने देखा पेपर अभी तक? सर मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं किए थे, बाकी सब्जेक्ट्स के कर लिए थे। केमिस्ट्री के नहीं किए, बाकी कर लिए थे। ठीक है, अच्छा, नंबर सर वन सर मैंने बायो के देखते। एनीवे, आपको देखना चाहिए, मतलब जिसने नहीं देखा है बेटा उसको देखना चाहिए,
उसका रीजन क्या है, क्यों देखना चाहिए भाई, हमारा पर्पज क्या है, हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, पढ़ तो स्कूल में लेते, हमारा क्या पर्पज है बेटा। बताओ हम ये किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा ड्रीम क्या है? सर नीट एग्जाम क्लियर करना, डॉक्टर बनना है ना। यस सर, इसी के लिए तो हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि अब अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं डेटा पर जाता हूं, तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बेटा आपकी तरह ही, और जब एग्जाम देने जाएंगे तो लगभग हमारे पास 12 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, 12 लाख में से जो आपको सीट मिलेंगी बेटा, अप्रोक्सीमेट अगर हम देखते हैं तो 50,000 सीटें। इस 50,000 में से आपको कितनी सीट चाहिए बेटा? एक ही सीट चाहिए ना, वन सीट। तो अब क्या है कि इसमें जितने स्टूडेंट अभी जैसे आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी अपने अभी अपने मैंने पूछा तो सभी ने आपने कहा कि सर मुझे डॉक्टर बनना है। आप सबका जो डिजायर है वो डॉक्टर बनने का है, और ऐसा ही बेटा हर स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है उसका डिजायर है। लेकिन इसमें से जो डिजर्व करेगा, डिजर्विंग होगा, वो अपनी सीट अपने आप ले जाएगा। पॉइंट ये आता है कि इस डिजायर से डिजर्विंग में कैसे पहुंचना है आपको। मैंने कुछ एनालिसिस किया है पहले। अच्छा, आप मुझे ऑनेस्टी के साथ बताएंगे बेटा, आप लोगों में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसने फर्स्ट फेज के अंदर सारी डीपीपी डिपॉजिट की थी, नहीं की थी, करने की नहीं, डोंट की बात करते हैं अपने, ऑनेस्टी के साथ बताओ, ऐसा स्टूडेंट बोलो कि सर मैंने जो है ये डीपीपी नहीं डाला, बताओ बेटा बताओ। पहली पहली जीत इसी चीज से हो जाती है आदमी की, कि अगर वो सही बोलना सीख जाए। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने डीपीपी सोल्व नहीं की हो, किसी भी रीजन से नहीं की हो, बट डीपीपी सोल्व नहीं किया हो, आप सभी ने डीपीपी सोल्व किया था बेटा, लेकिन मैंने तो डेटा देखा था, लेकिन उसमें तो कुछ बच्चों के नहीं था। तो बेटा इसमें देखो कि ये जो डिजायर से डिजर्विंग का जो रास्ता है, ये यहीं से स्टार्ट होता है बेटा, कि आपका आपको देखो टीचर आपको क्या कराएगा, नोट्स कराएगा, मतलब चीजें बताएगा कि ये नोट करो, ये चीजें याद करो, नोट्स बनाएगा। तो पहला स्टेप ये होता है, लगभग सभी बच्चे फॉलो करते ही हैं बेटा, नोट्स बनाते हैं। जो यहां नहीं बना रहा है नोट्स, ढंग से नहीं बना रहा है, तो वो तो यहीं से मिस हो जाएगा अपना, इसका मतलब उसका तो पहला स्टेप ही ठीक नहीं पड़ा, कहते हैं ना पहला कदम ही ठीक नहीं है अगर नोट्स ही नहीं बना रहा है। यहां एक टीचर का रोल होता है, यहां जो आपके फैकल्टी का रोल होता है कि वो कितनी इफेक्टिव है, जो वही नोट्स देती है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मतलब काम तो बहुत होता है, लेकिन हमारे काम का कितना है। केमिस्ट्री आप भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री एडवांस की तैयारी करते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं IITN जो बनते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। जो मेडिकल का है, वहां एक टीचर का रोल है कि आपको सिर्फ वो चीजें बताए कि भाई ये कर लेना, बाकी करने की जरूरत नहीं है आपको, या जो मैं बता रहा हूं ये कर लो। नोट्स के बाद बेटा दूसरा स्टेप जो आता है, वो चीजों को रीड करना होता है। आप जो चीज लिख के जाते हो उसको कितना पढ़ते हो, पहले आप पढ़ते हो, पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद बेटा जो होता है, फिर उसको लर्न करना होता है। पढ़ लिया, पढ़ना अलग बात है। जैसे पढ़ने का मतलब मैं बेटा बताऊं आपको कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स सुबह एक मान लो कोई न्यूज़पेपर आता है तो उसको पढ़ते हैं, लेकिन शाम तक पूछोगे तो उन्हें कुछ याद नहीं होगा, कोई एक आधी खबर को इंटरेस्ट की होगी किसी की तो वो याद रहेगी, अदरवाइज सारे पेपर में ये नहीं बता पाएंगे किस पेज पर क्या, वो रीडिंग है। आपको रीडिंग नहीं करनी, रीडिंग करने के साथ साथ लर्न करना है बेटा। अब इसमें जितने कामयाब होंगे लर्न करने के अंदर, वो जो लर्न करेंगे, तो अब लर्न के साथ ये है कि आपकी एज ऑफ लर्निंग क्या है, डिपेंड करेगा एज ऑफ लर्निंग, कि आपको कितने टाइम तक चीजें याद रहती हैं। ऐसा होता है ना कि अगला चैप्टर कर रहे हैं, ऐसे लगता है पीछे वाला याद ही नहीं है। कितने बच्चों को लगता है ऐसा कि अभी नया चैप्टर किया, ऐसा लगता है पिछला चैप्टर तो याद ही नहीं है, भूल गए होंगे। थोड़ा बहुत या थोड़ा थोड़ा आता है,
ऐसा होता है ना, तो अब उसकी एज क्या है? तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर आपको लर्निंग को कंसिस्ट करना है तो कंसिस्टेंटली कैसे करोगे आप? क्या क्या तरीका हो सकता है सर? मतलब रेगुलर बार बार रिवाइज करना। यस बेटा बिल्कुल सही, डेफिनेटली जो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। कोई भी चीज हो जितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे उतनी बार ज्यादा लर्निंग होगी। और इसका लास्ट स्टेप होता है जो यहां तक पहुंच जाएगा, नथिंग कैन मैनिकल यू टू अडॉप्ट योर सीट। आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी सीट से अगर एज ऑफ लर्निंग के साथ साथ उसका परफॉर्मेंस देते हो, आप परफॉर्म करते हो, जिसको बोलते हैं परफॉर्म। जैसे देखते हो ना स्टेज पर लोग 5 मिनट का स्टेज परफॉर्म करने के लिए कितनी कितनी मेहनत करते हैं। अभी IPL चल रहा है, इसको परफॉर्म करने के लिए देखो साल साल लोगों ने मेहनत की होगी, दो दो साल मेहनत की होगी, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। परफॉर्मेंस का मतलब जो आपके टेस्ट होते हैं उन टेस्टिंग में कितनी बेटर परफॉर्मेंस देते हो, वो डिपेंड करेगा बेटा आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। और प्रैक्टिस करने से जरूरी है पहले चीजें याद तो हो, प्रैक्टिस तो बाद की बात है, याद ही नहीं होगा तो फिर प्रैक्टिस का है कि लर्न कितनी चीजें करते हो। और लर्निंग करने के लिए आपको एक बार तो रीडिंग लगानी ही पड़ेगी, एक बार दो बार तीन बार, और चीज जो हो जो काम आए एग्जाम की उसी की लर्निंग करनी पड़ेगी। जो ये इन स्टेप्स को पूरा कर जाता है बेटा वो अपने आप निकल जाता है। अभी मैं आने वाले टाइम में कुछ टाइम में आपसे जितने बच्चे अपने सिलेक्ट होंगे, इस बार हर साल करते हैं ऐसा, इस बार ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता था तो सामने करते थे, तो इवन वो स्टूडेंट के इंटरव्यू कराएंगे आपको। आप अपनी जितनी प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर कर पाओगे तो वो आपको बताएंगे कि देखो क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या है। कभी तो ऐसे लगेगा बहुत आसान है बेटा, कोई चैप्टर ऐसा आएगा अरे यार ऐसे तो बड़ा आसानी से हमारा इसके अंदर हो जाएगा नीट में। कभी कभी ऐसा होगा कि हमें लगेगा नहीं नहीं हो ही नहीं पाएगा, स्कूलिंग करें या ये वाला करें क्या क्या करें। बट बेटा एक बात याद रखना, हर आदमी को हर इंसान को भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं एक दिन में, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया है। उस 24 आवर का परफॉर्मेंस आपको देना है। आप सोचो आप ये सारी चीजें कैसे करोगे, नो एक्सक्यूज। कोई कहता है कि जी मेरा स्कूल होता है, स्कूल तो भाई सबका है, दूसरों का भी स्कूल है जो कल को सिलेक्ट होंगे। और आपके पास फिर भी एक बेस्ट चीज है दूसरों के कंपैरिजन में, वो ये है कि आपके पास तो 2 साल हैं, 11th है, 11th के साथ 12th है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करते भी चले जाओगे तो भी 12th के साथ बड़े अच्छे मार्क्स से निकल सकते हो बेटा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कुछ भी जो है मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक दिन का काम भी मिस कर दिया ना, आपने सोचा छोड़ो आज क्या यार कल कर लूंगा, भाई एक दिन का डेली नहीं हो पाता है तो एक दिन का और जमा हो गया तो हमारी नीयत खराब हो जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे बेटा। अगले दिन हमें सपोज पहले दिन हमने अपनी मर्जी से छोड़ दिया, सेकंड दिन हमारा हेडेक हो गया नहीं कर पाए, तीसरे दिन तो 3 दिन का काम आ गया, कैसे हो पाएगा, पिछड़ जाओगे। तो हैबिट ये डालो, मैं ये नहीं कहता कि 100% करते जाओ, पर अपनी अपना 100% देते जाओ। अपना 100% तो दे सकते हैं ना बेटा, अपना 100% नहीं दे सकते? यस सर। मतलब मैंने आपको सपोज DPP दे दिया, मैंने 10 क्वेश्चन दे दिए, वो तो मेरा 100 है, 10 क्वेश्चन आपका 100%। मैं कहता हूं कि आपका 100% जो है 10 क्वेश्चन नहीं है, सपोज आपका 9 क्वेश्चन तो हो सकता है, 5 क्वेश्चन तो हो सकता है। आप डालो 5 क्वेश्चन करके डालो, एटलीस्ट कुछ किया तो सही, सेटिस्फिकेशन तो होगा यार मैंने कुछ किया है। बिकॉज DPP जो होता है बेटा, DPP, अब मैं जो देखूंगा ना, अब मैं हर एक बच्चे का मैं एक एक नोट करूंगा कि कितना DPP वो डिपॉजिट कर रहा है, रिकॉर्ड चेक करूंगा। तो वो DPP से आपको क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप क्लास को याद करो, अपनी किसी क्लास को, जब आपको क्लास में याद होता था टीचर कहता था कल ये याद करके आना, और जब आपको याद होता था तो टीचर पूछता था तो आप टीचर के नाम लेने से पहले ही अपना सिर ऊपर करते थे ना, करते थे नहीं करते थे, हाथ ऊपर करते थे या ऊंचा ऊंचा होते थे? आप क्यों होते थे? सोचते थे कि सर हमसे कुछ पूछ ले, क्योंकि हम याद करके आए हैं। और जिस दिन हमें याद नहीं होता था बेटा उस दिन बताओ क्या करते थे हम? छुपने की कोशिश, छुपने की कोशिश, बेंच के नीचे घुसते थे, आंखें हमारी जमीन में धसी चली जाती थी, भाई क्राइम थोड़ी किया था, लेकिन प्राउड तो फील नहीं होता था ना। तो इतना फर्क होता है बेटा प्रिपरेशन, प्रिपेयर होके आने का, प्रिपेयर होके आते हैं तो हम आगे रहते हैं सबसे, और प्रिपेयर नहीं होते हैं तो बेटा छुपते हैं, और छुपते होते हैं तो कहीं ना कहीं तो हम कुछ गड़बड़ करके आए ना, छुपता है वही जो गड़बड़ करता है। तो हमेशा ये ट्राई रखो कि मुझे आगे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है। और जब आप जिस ड्रीम के लिए काम कर रहे हो बेटा, आप देखो अब कोरोना ने तो और प्रूव कर दिया कि डॉक्टर से बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है, है कि नहीं? किया है कि नहीं किया है प्रूव कि डॉक्टर से बड़ा कोई नहीं है, भगवान से किसी ने नहीं देखा,
लेकिन डॉक्टर देखो कितने लोगों की जान बचा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसका मतलब डॉक्टर जिस दिन बन जाओगे ना, उस दिन जो फीलिंग्स होगी ना आपके पास, खुद के पास लैंग्वेज नहीं होगी उसको शेयर करने की। इतनी सारी लैंग्वेज बोलते हैं हम, लेकिन जब वो खुशी होती है ना, कभी आपने सोचा है आप लोगों में से? अच्छा ये बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपकी डीपीपी या जो टेस्ट है ईकाइट्स पर है, वो अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं कि आज मैंने इतना क्वेश्चन किया, आज नहीं किया? बोलो बेटा, मैं आप सब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, सब मेरे सामने हो आप। यस सर। यस सर। अंश शर्मा करते हो? अंश शर्मा पेरेंट्स से करते हो? यस सर। अनुभव करते हो? यस सर। इशिका, इशिका पेरेंट्स से शेयर करते हो? इशिका बोलो बेटा। यस सर, कभी कभी छूट भी जाता है वैसे। कभी कभी छूट भी जाता है। ज्योति? हाँ सर, जब टेस्ट होता है। हाँ जब टेस्ट होता है। अब मैं देखो एक चीज बताने जा रहा हूँ, आप जितनी डीपीपी में क्वेश्चन करो, अगर आपकी 10 डीपीपी की क्वेश्चन दी है आज, चाहे आप 4 क्वेश्चन करते हो ना, पेरेंट्स को बताओ, आप उनको बताओ कि मैंने 4 किए हैं, मैंने 2 किए हैं, मैंने 5 किए हैं, उसका प्रॉफिट क्या होगा? देखो उसका प्रॉफिट ये होगा कि अगले दिन पेरेंट्स खुद पूछेगा, बेटा कल तुमने 4 किए थे, आज डीपीपी में कितने किए? अगर हम ये सोचेंगे कि भाई आज, फिर कहेंगे नहीं मम्मी आज तो मैंने 2 ही किए, फिर तीसरे दिन खुद आप बताओगे मैंने 8 किए, या चौथे दिन मान लो नहीं किया आपने, तो अपने आप पर एक चेक हो जाएगा पेरेंट्स का। आपको लगेगा अगर मैं 3-4 दिन 4-4 करता रहूंगा, 5वें दिन तो पेरेंट्स बोलेंगे तो क्या कर रहा है या क्या कर रही है भाई, रोज ही 2-3 है और कभी कर ही नहीं रही तू, तो एक चेक हो जाता है बेटा अपने ऊपर। और इंडियन का मेरा जो एनालिसिस है अभी तक का, इंडियन जितना प्रेशर में काम करता है ना, उतना विदाउट प्रेशर कभी नहीं करता। आपको प्रेशर आ जाए ना कि सुबह बोर्ड का एग्जाम है, तो आप याद करो उस दिन को, उस रात में तो आपने 10 चैप्टर तैयार कर लिए होंगे, लेकिन आपको पता लगे ना सुबह कोई टेस्ट नहीं है, तो आपको काम दे देना तो 2 लाइन याद नहीं होती हमसे, कभी मन इधर जाता है कभी। एग्री होगी नहीं हो इस बात से? तो प्रेशर में जितना काम होगा ना, जो पेरेंट्स को आप बताओगे डेली, नहीं और बताना भी चाहिए बेटा, वो हम पे इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें बताना चाहिए उनको कि आज मैंने जो काम मिला था उसका इतना परसेंट किया है, कल इतना किया है, एटलीस्ट ये हैबिट जो आपको है वो बहुत आगे लेके जाएगी, ये आपकी कंटिन्यूटी अपने आप बना देगी और आप धीरे धीरे अपने आप उस लेवल पर जहां से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर पहुंच जाओगे। और थोड़े दिनों की बात होती है बेटा, हैबिट बन जाए ना जिस चीज की, पढ़ने की हैबिट बन गई तो पढ़ते रहोगे, नहीं पढ़ने की हैबिट बनेगी तो नहीं पढ़ोगे। और वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मैं ये कहूं आई फ्रेंकली से कि पढ़ना पहले बड़ा मुश्किल लगता है और ना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये हमेशा ये हर इंसान के साथ है कि नेगेटिव चीज जो है ना बड़ी जल्दी आ जाती है, पॉजिटिव चीज को बनाने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप अपने घर से बाहर निकलो, ग्राउंड की तरफ जाओ, किसी ग्राउंड में देखो कितने सारे कांटे उगे होते हैं, कोई उगाता है क्या उनको? उगाता है बेटा कोई उनको, कांटों को? कोई नहीं उगाता ना, अपने आप उगे आते हैं, जिस तरफ जाओ उस तरफ कांटे उगे हुए हैं। फूल देखे हैं अपने आप उगे हुए कभी? फ्लावर, फ्लावर के लिए देखो बेटा कितनी बागवानी करनी पड़ती है, किसी किसी घर के आगे मिलेगा बड़ा खूबसूरत सा फ्लावर, और वो भी क्या मिलेगा, उसके चारों तरफ क्या लगी होगी, जाली लगी होगी, मतलब उसने उसको किसी ने खूब मेहनत करके बनाया होगा उस गुलाब को, उसको जानवरों से रोका होगा, उसको क्या बच्चों से तोड़ने से रोका होगा, जाली लगाई होगी, उस पर पानी दिया होगा डेली, तब जाकर के एक फ्लावर बनता है। कांटे तो अपने आप उगाते हैं, ऐसी जो नेगेटिव चीज है ना बेटा वो तो अपने मन में अपने आप ही आती है, नहीं पढ़ना है तो अपने आप आ जाएगा, 1 घंटा सोना चाहते हो 4 घंटे सो लोगे, लेकिन पढ़ना 1 घंटा चाहते हो तो 1 घंटे से पहले उठ जाओगे, क्योंकि उसको आपको सींचना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, वही जाकर के आप जब ये कर पाओगे ना तब आप डिजर्विंग होगे और तब आपको कोई नहीं रोक सकता आपके रिजल्ट से बेटा। इसलिए मैं आपसे आज जो शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज टेस्ट भी हुआ है, मैं ये चाहता हूं कि अब सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज में देखो अब पूरा परफॉर्मेंस निकल के आना चाहिए, आप डीपीपी अपने आप आएगा। आप देखना आप जिन बच्चों ने डीपीपी ढंग से सोल नहीं किए हैं उनके देखना टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, अपने जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ पढ़ा पढ़ा है, उनके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, खास करके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, स्कूल में आ जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने रेगुलर डीपीपी किया है वो नोट करना, आपस दोस्तों में चेक करके देखना, क्वेश्चन करने की ट्राई की है ज्यादा से ज्यादा, डाउट ज्यादा से ज्यादा पूछे हैं, इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा किया है, उसके टेस्ट में देखना अपने आप अच्छे मार्क्स हैं। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया अब करके देखना सेकंड फेज में, डेफिनेटली यू विल फाइंड सम एक्स्ट्रा, आपको कुछ बढ़िया मिलेगा। और देखो
कहते हैं ना कि लेट बेटर देन नेवर, तो कोई बात नहीं, जो नहीं कर पाए अब करना स्टार्ट करो, और जो कर रहे हैं वो और ज्यादा अच्छा करो, तो आपको डेफिनेटली उसका देखो बेनिफिट मिलेगा। करना आपको है, देखो मैं ये मानता हूं कि देखो मैं इतना सारा मेरा मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, और अभी क्लास में होते तो और बहुत सारी मैं बातें करता आपके साथ, मैंने बहुत सारे जगह देखा है, बहुत सारे टीचर के बारे में सुना है, हम भी पढ़ते थे तो हम सुनते थे वो टीचर फलाना टीचर बहुत बढ़िया तोप है, 36 मार्क आने हैं, उससे पढ़ेंगे हम, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन क्या बेटा मुझे एक बात बता सकते हो आप, क्या एक टीचर कितना भी बढ़िया है क्या उसके सारे स्टूडेंट हमेशा क्लियर कर जाते हैं एग्जाम? ऐसा बेटा मैंने तो नहीं देखा कभी, मैंने कोटा देखा, दिल्ली देखा, आकाश देखा, 10-10 साल वहां निकाल दिए, केल्विन में वो 5 साल से, तो मैंने बेटा ये चीज नहीं देखी कि एक टीचर कितना ही बढ़िया अपने आप को कहता है और उसके सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। उनमें से बच्चे कौन सिलेक्ट होते हैं जो जिनका क्या सही होता है, शेड्यूल या प्रोसीजर सही होता है। टीचर तो सबको ही पढ़ाता है, टीचर तो फर्स्ट बस ये काम था नोट्स और एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा इजी वे में समझा दिया किसी चीज को, अब बाकी काम तो सारा आपका रहेगा, आपके अंदर स्पार्क होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आप ही अगर नहीं कर रहे कुछ, सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है बेटा, फिर तो हम यहां रह जाएंगे इधर वाले में, इधर नहीं निकल पाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इतने सारे मैंने लिटरेचर पढ़े हैं, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है बेटा, जो सक्सेसफुल है, अभी हमारी सक्सेस के मायने बदलते चले जाएंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे आप बदलेंगे, अभी हमारे सक्सेसफुल का मतलब यही है कि हमें नीट तोड़ना है, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं बेटा उनके लिए सब में एक कॉमन चीज है, कॉमन थिंग सब में, ऑल सक्सेसफुल पर्सन, और आप भी एग्री होंगे अब मैं बोलूंगा तो, वो ऑल सक्सेसफुल पर्सन में कॉमन थिंग्स क्या है, वो कॉमन थिंग है कि अपना काम करने के लिए टाइम है उनके पास, टाइम फॉर ओन वर्क, जो उनके काम दिया गया है ना उसको करने के लिए हमेशा टाइम है, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए कोई टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा काम के लिए नहीं है टाइम, बस टाइम नहीं है, बिजी है वो, बहुत बिजी है। तो आपका काम क्या है बेटा, बताओ आपका काम क्या है? इफेक्टिव वे में स्टडी करना। आपका काम सिर्फ स्टडी है बेटा, सिर्फ स्टडी, आपका काम स्टडी है, आपका काम स्टडी है। अगर आप सोचते हो कि कोई मुझे टाइम टेबल दे, मैं किस टाइम उठूं, किस टाइम बैठूं, अरे बेटा टाइम टेबल तो दूसरी चीजों का होना चाहिए, आपके काम का थोड़ी होना चाहिए टाइम टेबल, आपको तो हमेशा ही पढ़ना है, दूसरी चीजों का टाइम टेबल पढ़ने के लिए आपके पास हमेशा ही टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मैं कैसे कर पाऊंगा, मतलब मेरे को आज थोड़ा सा ये काम हो गया वो हो गया, वो काम बाद की बात है, पहला आपका काम है, पेरेंट्स भी यही चाहता है कि पहले आप ये काम करो, जिस काम के लिए आपको लगाया वो पहला काम करो, इससे ज्यादा खुशी होगी आपको, जिस दिन सीट निकाल के दोगे ना आप, उस दिन पेरेंट्स को ज्यादा खुशी होगी दूसरा कोई काम करने की बजाय। तो आपने खुद ही डिसाइड किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बेटा एफर्ट्स पूरा लगा लो आप अपना, तो डीपीपी टाइम पे करना है। अब मैं डीपीपी जो चेक करूंगा एक एक बच्चे को, जैसे मैं जिनके भी नाम देख रहा हूं, अब एक एक को बुला के प्रियांशु से पूछूंगा, निखिल से पूछूंगा, मैंक से पूछूंगा, कृष्णा से पूछूंगा, रोशनी से पूछूंगा, भाई तो बता डीपीपी की या नहीं की है, पिछली बार वाला नहीं चलेगा, तब तो स्टार्टिंग था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए ये, तो अब मुझे जो है मुझे काम चाहिए बेटा, और काम आपके लिए ही चाहिए, मेरे लिए नहीं चाहिए, वो आपको काम आएगा। और पढ़ने लगोगे ना जब चीजें समझ आने लगेंगी तो और बढ़िया लगने लगेगा। हाँ कोई बात नहीं, 19-20 छूट गया होगा तो अभी तो बहुत टाइम है, अब कई चीजें बार बार आएंगी, रिवाइज होंगी, तो अगर किसी का थोड़ा बहुत पीछा छूट भी गया है तो वो आगे आ जाएगा, डोंट वरी, उससे घबराना नहीं है। अब तो आगे दौड़ पीछा छोड़, नया चैप्टर है उसके साथ अपना हो जाओ, उसके साथ अपना कर लो, और फिर देखो आप डीपीपी और क्वेश्चन जब करोगे तो अपने आप ही देखो टेस्ट में भी परफॉर्मेंस आने लगेगा आपका, बढ़िया आने लगेगा। फिर अभी पेरेंट्स मीटिंग भी करेंगे, अभी पेरेंट्स मीटिंग करने वाले तो उनमें भी मैं डिस्कस करूंगा, पेरेंट्स से बातचीत करेंगे आपके पेरेंट्स से कि भाई आप क्या करते हो घर में, कैसे करते हो, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली अभी मैं सिर्फ आपसे एक प्रोमिस चाहता हूं कि आप अब जो है डेली काम निपटाएंगे जितना हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि आप 100%, लेकिन जितना आपका 100% है उतना आप जरूर डीपीपी सोल्व करेंगे, पढ़ेंगे, आपके पास ऑन रिकॉर्डिंग है, एक बार आपको समझ नहीं आता है, दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, करोगे नहीं करोगे? यस सर, प्रॉमिस? यस सर, सभी सब्जेक्ट में बेटा, नॉट ओनली केमिस्ट्री, सभी में करना है। यस सर, क्योंकि डॉक्टर हम तब बनेंगे जब सारे सब्जेक्ट करेंगे।
चलो मैं देखता हूँ फिर, अब नेक्स्ट क्लास से चेक करता हूँ। अभी मैं अपना नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। इस फेज में हम स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं सीक्वेंस जोड़ दूं जिससे क्या थोड़ा सा सब्जेक्ट में मजा आने लगे अपने को। देखो आपने बेटा फर्स्ट फेज में थोड़ा नोट किया, देखो साइंटिस्ट लोग या जो बुक्स लिखते हैं, जो हमारे कंटेंट बनाते हैं, वो कितने समझदार लोग हैं। देखो तो आपने देखो नोट किया हो पहले, तो हमने पहला चैप्टर क्या किया था याद है बेटा आपको, या जितने चैप्टर किए हैं? एक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हाँ सम, वो कैलकुलेशन सीखी पहले हमने, पहले हमने कैलकुलेशन किया कि भाई कैसे चीजें जुड़ती हैं आपस में करती हैं। लेकिन एक सीक्वेंस देखें, कैलकुलेशन तो बेस है हर चीज का, हर चीज में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है। पहले हमने क्या पढ़ा, एटम होते हैं सेकंड चैप्टर, फिर हमने क्या पढ़ा पीरियोडिक टेबल में, भाई उनकी प्रॉपर्टी क्या है, पीरियोडिक टेबल में कौन सा एटम कहां रहेगा, यही पढ़ा ना केमिस्ट्री में। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ा बेटा आपने इसके बाद, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ये एटम आपस में जुड़ेंगे कैसे। तो पहले एटम के बारे में पढ़ा, एटम की पोजीशन पढ़ी आपने देखो, मतलब पीरियोडिक टेबल। फिर आपने ये सीखा कि एटम कैसे कैसे जुड़ते हैं, एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं। जैसे एटम अटैच होते हैं तो उसको क्या नाम दिया आप लोगों ने, बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से क्या बना, कोई एक मटेरियल की फिजिकल स्टेट बनी, एटम अटैच होंगे। तो एटम देखो अटैच हो सकते हैं, तो इससे क्या है, जो भी ये केमिकल बॉन्ड है तो मैटर के बीच केमिकल बॉन्ड बनते हैं, मटेरियल जो भी होता है। अब जो मैटर होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। अब जो यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है उनके बीच डिस्टेंस अगर हम देखें, चाहे सेम है, सेम सब्सटेंस है, सेम मैटर है, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक ये हो सकता है कि बहुत दूर दूर हो, फार हो डिस्टेंस, या फिर नियर हो, या फिर नियरेस्ट हो। एक ही सब्सटेंस के बीच पार्टिकल की डिस्टेंस बहुत दूर दूर हो, फार हो या नियर हो, या क्या हो बेटा, नियरेस्ट हो। तो एक ही सब्सटेंस के, जब एक ही मटेरियल के सब डिस्टेंस जो बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है बहुत दूर दूर होती है, तो इस फिजिकल स्टेट को बोलते हैं गैसीय स्टेट। इस स्टेट को क्या बोलते हो, गैसीय स्टेट। अगर थोड़ा और क्लोज हो जाते हैं तो उसी को हम कौन सी स्टेट बोल देते हैं बेटा, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। अगर और ज्यादा क्लोज हो जाए तो उसी को सॉलिड स्टेट, सॉलिड। तो एक ही सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस जो होते हैं, दे कैन डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस फिजिकल स्टेट इज नोन एज गैसीय स्टेट। अगर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाए लिक्विड स्टेट, और थोड़ा कम हो जाए, और कम हो जाए तो सॉलिड स्टेट। जैसे एज एग्जाम्पल, यू नो दैट अबाउट H2O, ये कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, H2O मॉलिक्यूल। अब H2O मॉलिक्यूल जब दूर दूर होते हैं, तो इसी H2O सब्सटेंस को, मैटर तो H2O ही है ना, क्या बोलते हो आप जब दूर दूर होते हैं तो, वाटर वेपर। गुड, वाटर वेपर मतलब ये गैस बन जाता है, H2O के आगे V लिख देते हैं, वेपर है ये। अब आपने देखा होगा इसमें, जैसे आप वाटर देखो, अब रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, तो अगर ये H2O पास पास में आ जाते हैं थोड़े से, जैसे आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा था, तो इसी को क्या बोलते हो आप, वाटर लिक्विड, मतलब H2O लिक्विड। अब इसको क्या, हाँ और नहीं, अभी आइस अब आएगी बेटा, अगर और पास ले आए वाटर मोलिक्यूल को सर, तब आइस कहेंगे, तब ये हो जाता है आइस, मतलब H2O सॉलिड हो जाता है, H2O सॉलिड। तो तीनों केसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है बेटा, वाटर H2O है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल H2O है। अब H2O जैसे हम रूम टेम्परेचर पर देखते हैं, तो ये सिचुएशन आती है, रूम टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर मतलब जैसे आप देखते हो 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर चले जाओ तो ये H2 आइस हो जाएगा, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चले जाओ तो आपको गैसियस स्टेट मिलेगा। इसका मतलब सपोज मैं टेम्परेचर इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल के डिस्टेंस को डिसाइड कर रहा है, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि H2O है, इंट्रोडक्शन कर रहा हूं बेटा चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रो, जैसे H2O अगर मैं कहूं कि ये H2O लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है तो बताओ बेटा कौन सी स्टेट में होगा H2O? वाटर। नो, जीरो डिग्री सॉलिड स्टेट में। लेस करना ना मुझे, लेस टेम्परेचर लेस जीरो, तो जैसे मतलब पानी को आप रेफ्रिजरेटर में रख दो, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जीरो से भी कम हो जाएगा तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ। तो H2O सॉलिड मतलब आइस है, मतलब पार्टिकल बहुत क्लोज हैं। आपने क्या इसको गर्म करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, रूम टेम्परेचर पर आगे, सपोज आप 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आगे, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर यही टेम्परेचर के पार्टिकल जो वाटर के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो यही सॉलिड किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड। लिक्विड हम अपना नॉर्मल वाटर देखते हैं। अब क्या करो, इसको इसी वाटर को आप क्या करो उस पे रख दो स्टोव के ऊपर, स्टोव रख के इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दो तो H2O क्या बन के उड़ने लगेगा? वेपर। यही H2O किस फॉर्म में आ जाएगा? गैस फॉर्म में। तो एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल के डिस्टेंस के बेस पर हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट वे में, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। और अब आप जो किसी भी मटेरियल की स्टेट पढ़ रहे हो तो 11th के अंदर आपका ये चैप्टर है गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट आप पढ़ोगे फिर प्लस टू में। तो जब आपका गैसियस स्टेट है तो गैसियस स्टेट जनरली बोलते किसको है? तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। देखो बेटा गैस कभी, देखो बैलून में गैस भरो, एक बैलून में कोई गैस भर ली तो बैलून को दबा सकते हो नहीं दबा सकते? प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा? क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि वो मॉलिक्यूल जो गैस के हैं वो दूर दूर हैं और बीच में स्पेस है, इसलिए आप कंप्रेस कर सकते हो। अगर जैसे डीओ है, डीओ को एक रूम के एक कोने में छोड़ो तो दूसरे कोने में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी डीओ? यस सर। इसका मतलब गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में कौन सा होता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर? जिसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। तो दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज कौन सा पॉइंट पहला बेटा? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी एंड दूसरा स्पेस बिटवीन आई, नहीं उसमें आ जाएंगे हम अपने आप, एक जगह पे नहीं रुकेगी कभी भी गैस, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो बोलते हैं। तो हाई रेट ऑफ फ्लो, डिफ्यूजन बोल सकते हैं, डिफ्यूजन बोल सकते हैं, वो सारा डिटेल में कराऊंगा बेटा, अभी सिंपल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कोई भी मैटर जिस स्टेट में उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होता है और उसमें हाई रेट ऑफ फ्लो होता है, या जैसे को आप डिफ्यूजन बोल रहे हो, डिफ्यूज हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है, तो उसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का क्या होता है? अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता बेटा। जैसे देखो एक आप डीओ वाला एग्जाम्पल देखो, डीओ एक पहले गैस एक छोटी सी बोतल के अंदर होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको कमरे में छोड़ते हो तो सारे कमरे में पहुंच जाती है गैस की खुशबू। इसका मतलब बिकॉज डिफ्यूज हो जाती है, हर जगह चली जाती है, तो इसका अपना वॉल्यूम नहीं होता कभी गैस का, और इसकी कोई शेप नहीं होती। क्या गैस को देख पाते हैं? आप जिस रूम में आप बैठे हो, रियलाइज करो बेटा, जिस रूम में बैठे हो ऑक्सीजन तो है ना उसके अंदर, है कि नहीं है ऑक्सीजन उस रूम में? यस सर। क्या आप देख पा रहे हो उसको? नो सर। नहीं देख पा रहे हो, लेकिन है तो सही ना ऑक्सीजन गैस, तो इसका मतलब उसकी शेप नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि उसका खुद का वॉल्यूम भी नहीं है, तो वॉल्यूम भी इनडेफिनेट है। छोटे वॉल्यूम में रखोगे तो दब के रह जाएगी, खोलोगे अब बैलून हवा से भर दिया तो बैलून के अंदर हवा छोटे से वॉल्यूम में चलेगी, लेकिन बैलून को ओपन कर दो तो वही सारे रूम में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में, क्या पॉइंट आ गया दूसरा? गैसेस डू नॉट हैव
डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट या फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका कोई डेफिनेट शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। तो वॉल्यूम कैसा होगा बेटा इसका, या शेप कैसी होगी, जैसा कंटेनर, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट होगा या जैसा कंटेनर होगा। जिस कंटेनर में रखोगे, ग्लास में रखोगे तो ग्लास की शेप ले लेंगे ये, और मान लो कि आप बोतल में रखोगे तो बोतल की शेप ले लेंगे ये। तो गैसेस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। तो कोई भी गैस है, सपोज मैंने यहां पर एक गैस, एक कंटेनर लिया, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या लोगे आप, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द कंटेनर ऑफ, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मान लो मैंने ये कंटेनर लिया, एक ये कंटेनर लिया, इसमें गैस भर दी मैंने, तो इस गैस के अमाउंट होगा, इस गैस में क्या क्या प्रॉपर्टी, अंदर गैस है तो उसका क्या होगा, अमाउंट। तो अमाउंट ऑफ गैस वो हम हमेशा मोल की फॉर्म में लेंगे बेटा, मोल। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी गैस कहीं रखेंगे तो एक उसका अमाउंट जरूर होगा, अमाउंट होगा तो अमाउंट को मोल में कैलकुलेट करेंगे और उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी गैस को किसी में रखोगे तो जिस जगह पे रखोगे वो कंटेनर है, तो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ गैस वी। लेकिन कभी भी गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं होगा, वो किसका वॉल्यूम होगा बेटा, गैस का वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम कंटेनर। तो कोई भी गैस कहीं रखते हैं तो उसका खुद का वॉल्यूम, जो हम कहते हैं, बोलते गैस का वॉल्यूम है लेकिन वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। दूसरा, हमेशा गैस का वॉल्यूम जो होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, और ये गैस के पार्टिकल कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं है बेटा, चलते रहते हैं। तो चलते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, जो कंटेनर होता है उस पर प्रेशर डालते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया कोई क्या पढ़ते हैं बेटा, डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, प्रेशर। तो हम कहते हैं ना गैस का प्रेशर है, तो गैस का प्रेशर मतलब गैस किसी जगह पे किस फोर्स से गिर रही है। कभी देखो आपने महसूस किया होगा, अभी अगर हम सड़क पे चलते हैं तो हमें हवा महसूस नहीं होती फेस के ऊपर, फील होती है, नहीं होता। लेकिन जब आंधी आती है तो हमारे फेस पर लगती है ना हवा, हमें फेस मूव करना पड़ता है आंधी में, क्योंकि उसका फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाता है, तो वो प्रेशर है, इसको बोलते हैं गैस का प्रेशर। तो इसका मतलब किसी भी गैस की स्टडी करने के लिए हमें फोर प्रॉपर्टी चाहिए। तो वो फोर प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी बेटा, रिपीट कर दो इंट्रोडक्शन में, जिससे नेक्स्ट डे हमारा चैप्टर बड़ा इजिली चले। एक पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस, मतलब एन से रिप्रेजेंट करोगे। दूसरी, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस। थर्ड, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस। एंड फोर्थ, प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। अगर आप किसी भी प्लेनेट के ऊपर चले जाएं, किसी भी प्लेनेट, हमारी अर्थ की बात नहीं है, कहीं भी अगर गैस होगी तो इसकी जो ये फोर की फोर प्रॉपर्टियां ऐसे रिलेट होंगी, उनका पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और का प्रोडक्ट और अमाउंट और टेम्परेचर का प्रोडक्ट का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा बेटा, ये कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको बोल देते हैं ये कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू एनटी, ये कांस्टेंट बोल देते हैं आर, पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में, पीवी एनटी आर होगा ये, कहीं भी चले जाएं, ये आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, किसी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और उसके अमाउंट और टी का रेशियो जो होगा वो आपका फिक्स रहेगा, आर के बराबर होगा। इसलिए आर को हम बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पी वी इज इक्वल टू बनाओगे इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो किसी भी, आगे मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में, कोई भी आइडियल गैस होगी तो उसके लिए सारे ये अगर चारों की चारों प्रॉपर्टी रिलेट करेंगे तो वो आ जाएगा PV इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस के लिए। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, थोड़ा बेसिक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, कि अगर हम किसी भी गैस की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो कितनी प्रॉपर्टी होती है बेटा,
इन जनरल फोर पीवी इज इक्वल टू आर टी एन आर टी। तो प्रेशर वॉल्यूम ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो अब प्रेशर और वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, तो इसको भी वन बाय वन एक बार रिपीट कर देते हैं, मोल में भी कुछ पढ़ा होगा। देखो अगर हमारे पास सपोज प्रेशर है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रेशर। अगर प्रेशर है तो प्रेशर के यूनिट पढ़े जाएंगे कि यूनिट क्या क्या हो सकते हैं। डायमेंशन वाले चैप्टर में प्रेशर किस किस में मेजर कर सकते हो, आज तक जो पढ़ा हो बेटा बोल दो। प्रेशर को किस बार पास्कल, देखो एटीएम में एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। हाँ, एटीएम। और क्या हो सकता है बेटा? बार पास्कल, बार बार और एमएम ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी मिलीमीटर ऑफ मर्करी और पीएम ऑफ एचजी सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। गुड, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। टॉर भी बोल सकते हैं इसको, सही है, टॉर भी बोल सकते हो आप इसको। फिजिक्स में पढ़ी होंगी चीजें, टॉर। तो आपको क्या है कि अब इसका कन्वर्जन आना चाहिए। प्रेशर जो है इस चैप्टर में आप प्रेशर एटीएम में भी ले सकते हो, पास्कल में भी ले सकते हो, बार में भी ले सकते हो, एमएमओ मर्करी में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर ओ मर्करी में ले सकते हो, टॉर में ले सकते हो, बट ये सारे आपको कन्वर्जन आने चाहिए। तो कन्वर्जन क्या है बेटा, देखो एक याद कर लो, बाकी उससे याद हो जाएंगे। वन एटीएम, वन एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013, इतना याद कर लो, आगे भी जरूरत नहीं है। 1.013 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। तो यूनिट याद करने बेटा, 1 एटीएम में कितना है, 1.013 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। जो पास्कल है बेटा वो एसआई यूनिट है आपका, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया से, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 10 रेज टू पावर 5 पास्कल, और 10 रेज टू पावर 5 पास्कल 1 बार के इक्वल होता है बेटा। टेन रेज टू पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार, तो 1 एटीएम कितने बार के इक्वल हो जाएगा, देखो 1.013 बार। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। फिर दूसरा देखो, एक यूनिट दूसरा होता है, एक 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। सर ये सब आप लिखवा सकते हो पहले भी। हाँ लिखवाया ना मैंने, इसीलिए एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपका। 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना एमएम होता है, 10 एमएम। तो 1 एटीएम को क्या लिख सकते हो आप, 760 एमएम ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एच जी पहले करवाया हुआ ना बेटा, एमएम ऑफ एच जी। और 1 एमएम ऑफ एच जी कितने के बराबर बताया था मैंने, 1 टॉर। तो इसीलिए ये 1, ये टोरोसली साइंटिस्ट था उसके ओनर पे, तो 760 टोर भी लिख सकते हो आप। क्लियर? तो प्रेशर के यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि 1 एटीएम में पास्कल कितने है, बार में कितना है, 1, उससे क्या आपका न्यूमेरिकल पावर जो सॉल्विंग पावर है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने वॉल्यूम बताया था आपको, वॉल्यूम रिपीट कर दो आप, वॉल्यूम, वॉल्यूम के यूनिट बताओ बेटा क्या क्या हो सकते हैं, मिलीलीटर, मिलीलीटर, लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, है ना, और भी बहुत हो सकते हैं। हमारे कंट्री में मिलीलीटर या लीटर चलता है, और मीट्रिक सिस्टम में सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब चलता है। तो इसमें याद रखना आप, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 मिलीलीटर के इक्वल है, एक ही बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर बताया था बेटा मैंने, 1 लीटर। और आपका मैंने 1 मीटर क्यूब किसके बराबर बताया था, 1000 लीटर। शाबाश,
थाउजेंड लीटर। तो ये कन्वर्जन जो होने चाहिए, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूं क्योंकि नोमेरिकल पार्ट होगा इसका, थियोरटिकल बड़ा इजी होगा लेकिन नोमेरिकली हमें काम करना होगा, तो उस चीज में आपको इन कन्वर्जन को अच्छे तरीके से करना है। ऐसे टेम्परेचर भी बताया होगा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में, टेम्परेचर किस किस बेटा केल्विन डिग्री सेल्सियस, हाँ फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। तो ये आप जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो बेटा ये जो इंट्रो दिया है मैंने ये जरूर आपने पढ़ के आना है, जिससे कि हमारा चैप्टर इजी गोइंग हो। और जिसका नहीं किया है, जिसने पहले, वो अभी मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ ये, तो यहां से वो तैयार कर लेगा। क्लियर बेटा? लेकिन आज की क्लास में मैंने एक बात कही है, वो हमेशा सबको करनी है। बताओ क्या बात बताई थी? रेगुलर डीपीटी। यस, रेगुलर काम करना है बेटा, रेगुलर। और मैं बुला बुला के पूछूंगा, किसी का भी लक्की नंबर आ सकता है किसी दिन, मैं पूछूंगा आपसे कि भाई क्या कर रहे हो आप, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा। सर ओके बेटा, हाँ बोलो बेटा। सर आपने गैसेस की टेम्परेचर के बारे में क्या बताया था? भाई टेम्परेचर तीन में करते हैं ना, तीन चीजों के अंदर अपने। सर अभी नहीं सर, वो पहले वाले जो वो चल रही थी प्रॉपर्टीज उधर की साइड। मैंने कहा था कि हर एक टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू आती है प्रेशर वॉल्यूम अमाउंट की। ओके सर। क्योंकि गैस के पार्टिकल फैल जाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फैल जाएंगे, तो टेम्परेचर भी डिसाइडिंग फैक्टर है, एक प्रॉपर्टी है गैसेस। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर CH3Cl, एक मिनट एक मिनट, डाइपोल मोमेंट वाला। यस सर। आकाश, आकाश पूछ रहे हो अभी, कौन पूछ रहा क्वेश्चन? आकाश ना? यस सर। आकाश बोलो बेटा क्या कह रहे हो? सर CH3Cl। CH3Cl ठीक है। CH2Cl2। CH2Cl2। CH CH Cl3। Cl3 4 ठीक है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट करना है ना। तो देखो बेटा, जितने Cl ज्यादा होते जाएंगे, हमें ये तो पता है ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। यस सर। कार्बन के चारों तरफ, कार्बन पे कोई सेंट्रल एटम नहीं होगा कि, और सारे के सारे Cl आ जाएंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा बन गया बेटा? मतलब इस जगह का और इस जगह का डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा इस जगह और इस जगह से। ठीक है। अब क्या है कि जितने Cl ज्यादा होंगे, क्योंकि बिकॉज CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट CH बॉन्ड से ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ना CCl का, क्लोरीन का, तो Cl डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जितने Cl CCl बॉन्ड ज्यादा होंगे, एक दूसरे को ज्यादा जो है वो कंपनसेट करेंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो, जैसे ये बना दिया मैंने CCl, अब देखो तीन Cl है, जिसमें से दो Cl तो अपने आप को क्या कर देंगे, ये इधर आ गया, तो दो Cl का, तो ये जो CH और Cl है, एक Cl है तो H के कंपैरिजन में Cl कुछ ना कुछ तो इसको डिस्ट्रॉय करेगा ना। यस सर। और अगर मान लो हमारे पास अब Cl ही दो रह गए, तो ये डिस्टॉर्शन कम हो गया, क्योंकि अब सिर्फ क्या रह गए इधर H। अगर रह ही CCl हो गया, तो H तो CCl के बॉन्ड को कंपनसेट इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जितने कार्बन पर, अगर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन क्लोरीन दोनों हो कार्बन पर, तो जितना क्लोरीन ज्यादा होता जाएगा तो डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा, तो इधर जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट। हाँ सर, ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आया था, उसमें इसका आंसर ये था कि CH2Cl2 का डाइपोल मैक्सिमम है। नहीं नहीं, गलत है वो, नहीं, मिथाइल क्लोराइड का मैक्सिमम, मिथाइल क्लोराइड का बेटा इसका मैक्सिमम होगा। Okay. मिथाइल क्लोराइड मैक्सिमम, फिर CH, जितने C, देखो जितने CCl बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो कंपनसेशन करते जाएंगे ना, वो डिस्ट्रॉय करते जाएंगे एक दूसरे को। यस सर। तो इसलिए CCl4 का 0। हाँ, अगेन अगर CH4 आ जाएगा तो फिर वापस कितना डाइपोल मोमेंट हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा, बिकॉज अगेन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ गया, क्लोरीन तो है ही नहीं, तो इसका भी 0। लेकिन इनमें तो ऑर्डर क्या आएगा, CH3Cl सबसे ज्यादा, CH2Cl2, फिर CH, Cl3, फिर
सी सी एल फोर और इसका बराबर, क्योंकि दोनों का ही जीरो है. इज इट क्लियर? यस सर. ओके बेटा, वेव फंक्शन चाहिए होता है. किसी इलेक्ट्रॉन का वो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में सब कुछ बताता है. साई जो है वो क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, एन के बारे में, एल के बारे में और एम के बारे में. ये किया था ना क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा था. एनसीईआरटी में ऐसे एक लाइन दी हुई थी, एनाटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. हां तो मतलब इसमें मतलब और भी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ऐसे ही था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो साई पे ही मतलब ज्यादा वो करता है. आप तो ऐसे याद करो ना, उस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी होती है कई बार. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ना, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन की कहाँ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो वही होगी ना. भी वही बताता है. हाँ, साइज स्केयर भी वही बताता है. आपको तो सिंपली ये बात करनी है कि लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की. आपको साई का मतलब क्या देखना है? प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एन क्या होता है? मेन एनर्जी लेवल है ना. और एल किसके बारे में बताता है? सब एनर्जी लेवल. और एम किसके बारे में बताता है बेटा? ऑर्बिटल. तो ये सारे प्लेस ही तो हैं इलेक्ट्रॉन के, तो इसलिए वो उसको कह देता है, उस टाइप की लाइन लिख देता है. तो जो भी प्लेस के बारे में बताएगा वो साई हो जाएगा. और साई के साई का कोई मीनिंग नहीं होता, जगह तभी होगी जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो होता साई भी है, साई स्केयर भी है, लेकिन सिग्निफिकेंट हमारे लिए साई स्केयर है. क्लियर? तो सर वो साइज वो एनएलएम बता तो रहा है, तो फिर उसको इतना इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं. भाई देखो, आप जिस कमरे में बैठे हो ना, आप नहीं बैठोगे तब भी तो वो रूम रहेगा ही है ना. लेकिन एटम में ऐसा कुछ नहीं. एटम के अंदर हम वही जगह कंसीडर करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन होंगे. तो साई हो तो उसका हमें सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें जगह वो होनी चाहिए जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी. अच्छा सर, ठीक है. इसलिए सिग्निफिकेंस हम वही लेंगे जहां इलेक्ट्रॉन. कई बुक्स में लिखा हुआ था कि जो साई होता है वो वेव का एम्पलीट्यूड बताता है, तो उसका क्या मतलब है? वो थोड़ा सा मैथमेटिकली चला गया. जैसे हमने पढ़ा था ना कि हम डायग्राम नहीं बनाते, कि भाई हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल हम कहते हैं ये ऐसे आ गया. यस सर. पी ऑर्बिटल हम कहते हैं ऐसे आ गया. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर सोचें तो वेव ऐसे चलेगी ना. तो ये जो ये जगह बनती है या इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उसको उस मैथमेटिकल वेव में बोल देता है कि वेव फंक्शन. वेव फंक्शन जैसे मैं एक सिंपल वे में आपको समझाना चाहूं कि मैंने आपको एक बात बताई होगी, मैंने कहा था कि जरूरत पड़े तो कर लेना, नहीं तो मत करना. मैंने एक बात बताई होगी आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू. मैंने कहा था कि सपोज ये न्यूक्लियस है बेटा ये. अब उसकी लैंग्वेज को मेरी भाषा से समझना, मेरी लैंग्वेज से समझना जो क्वांटम मैकेनिक्स लिख रहा है. अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आगे कुछ जगह मिलेंगी जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, और धीरे धीरे वो जगह खत्म हो जाएंगी क्योंकि एटम खत्म हो जाएगा, है ना. तो ये साई होगा. तो इसका मतलब जो जगह होगी वो साई है. पहली जगह को साई वन बोल देंगे, दूसरी जगह को साई टू, तीसरी जगह को साई थ्री. और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एनर्जी होगी कोरस्पोंडिंग वो ई वन ई टू ई थ्री. तो ये क्या कोड वर्ड है, मैथमेटिक्स में सोल्व करने के कोड वर्ड है ये. तो आप वेव फंक्शन, इसलिए वो कह रहा है कि वेव फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को, वो कह रहा है दोनों नेचर हैं. इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर मत लो, साथ में कौन सी नेचर है ये, वेव नेचर भी है जहां जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा. इसलिए उसने इसका नाम रख दिया वेव फंक्शन. तो उसमें आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है ना, रिक्वायरमेंट है वो हायर स्टडी में होता है. यहां तो इंट्रोडक्शन है ना सिर्फ हमारा, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि वो चीज एक तरह से समझ आ जाए. सर सर एक चीज पूछनी थी कि केवीपीवाई में 12th का भी सिलेबस आ सकता है? हाँ, वो मतलब कहीं से भी आ सकता है. जो आपको सिलेबस है ना, फॉर्म भर दिया आपने उसके, आए नहीं मेरे ख्याल से अभी. आगे क्या आगे उसके, तो उसमें सिलेबस देखना बेटा. उसके अंदर सिलेबस में जो जो होगा तो वो होगा, चाहे 11th से रिलेटेड हो चाहे 12th से रिलेटेड हो आपका. वहां पे सिलेबस दिख ही नहीं रहा था ऑफिशियल वेबसाइट पे. ऑफिशियल आ जाएगा, नहीं आया है तो आ जाएगा, क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे ना कि इस बार वो कोरोना के चक्कर में कम करना है या ज्यादा करना है. तो पिछले साल वाला निकाल के देख लेना, लास्ट ईयर का,
तो आइडिया आ जाएगा। उससे क्या होगा कि उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जितने बच्चे आपके साथ दे रहे हैं तो वो तो आपकी तरह ही दे रहे हैं ना। यस सर, वो हो जाता है। हाँ, कुछ बच्चों को बेनिफिट हो जाता है जो एट्थ नाइन्थ से अपनी स्टडी कर रहे हैं, जो कई फोर ईयर क्वालिफाई करा था उन्होंने कहा था कि ट्वेल्थ का भी आता है, मतलब इसमें वो पार्ट होगा, लेकिन ऐसा पार्ट होगा जो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा सर, क्योंकि अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं कि इनमें से आता है तो वो वाले हम पहले से पढ़ के रख लेंगे, इसलिए वो सिलेबस आप देखोगे तो वहीं से आइडिया आ जाएगा बेटा। और जितना करना कर लेना, नहीं तो अगले साल फिर आ जाएगा वो, तो उसमें क्या है, नेक्स्ट ईयर में फिर कर लेना, आ जाएगा उसमें, सिलेक्शन हो जाता है। जब तक चलते रहेंगे ना उसके वो स्टेप, तब तक आ जाएगा सारा। आप तो देखो उसकी, सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात सुनो, अगर मैं ये आपको राइस से भरी हुई थाली दे देता हूँ, गरम गरम चावल, तो आप इसको फिनिश किस तरीके से कर सकते हो, खत्म भी करने आपको खाने भी हैं, तो एकदम से बीच में हाथ नहीं मार सकते ना। अगर बीच में हाथ मार दिया तो क्या हो जाएगा, खा पाओगे, हाथ जल जाएगा, हाथ ही जल जाएगा। क्या तरीका है फिर खाने का, स्पून नहीं, हाथ से ही खा लो, खाना भी हाथ से ही है, साइड साइड से खाओ, साइड से खाएं, थोड़ा 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 खाते जाओगे तो हो जाएगा ना, और धीरे धीरे सारे फिनिश कर दोगे। लेकिन एकदम से ऐसे हाथ मारोगे तो हाथ जल जाएगा। तो कंपटीशन का ये धीरे धीरे हो जाएगा, घबराओ मत, हो जाएगा धीरे धीरे, करते जाओ, अपने आप एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा अरे ये तो मैंने कर लिया सारा, ठीक है ना बेटा। तो डोंट वरी, एक जितना करते जा रहे हो वो परफेक्ट करते जाओ, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। ओके बेटा, नाउ आई एम लीविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट पार्ट टॉपिक। Thank you. Good evening, sir.